दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में। हम अपने भाइयों को हमेशा जब जब रांची आते हैं तो अभिषेक सर के पास आते हैं और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभिषेक सर जी पहले साथ हैं, इनका स्वागत कर लें। सर मैं सर नहीं हूँ, सबका भाई हूँ छोटा। सर हमको नहीं बनना है। चलिए तो अभिषेक भैया जी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा भाई सर, आपका छोटा भाई होगा। अच्छा चलिए अभिषेक जी बोलते हैं, आप उतना तो रिकॉर्ड स्वीकार कीजिए। हाँ सर बिल्कुल, अभिषेक जी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, ये पहल रहा है, हम सब लोग मशीन बेच रहे हैं और माताओं बहनों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। वही हमने बोला कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज थोड़ी छोटी बातें करेंगे, छोटी बातें भी करेंगे, छोटे लोगों का भी ख्याल करेंगे जी। छोटे देखिए, जननी जन्मभूमि मातृभूमि, तो जननी से बड़ा कोई नहीं है, और जननी के लिए ना सोचे तो फिर बेकार है मनुष्यता। तो उसी सिलसिले में एक मशीन लेकर आया हूँ कि जो माँ बहन जो भी है घर में चाह रही है एक रोजगार कर ले, छोटा सा कम पूंजी में, हम छोटे पूंजी में, छोटे पूंजी में, और उनका एक व्यापार भी हो जाए, और या फिर जो भाई लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, घर के लिए उनके पास समय नहीं है और घर में लोग हैं, उनको गेहूं पिसवाने में काफ़ी दिक्कत आता है जी। और खरीदा हुआ आटा लोग आजकल खाना पसंद करते नहीं, सोचते हैं कि खुद अपना गेहूं लाएं, साफ करें और पीस के खाएं। हेल्थ के ख्याल से भी बड़ी डिमांड है, तो वो सब देखते हुए इसको लेकर आए हैं जी। देखने में भी सुंदर है, बहुत सुंदर है, और काम में भी वैसा ही सुंदर है सर। बड़ी फैमिली है जिनकी, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं अभिषेक जी, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने देखा क्या, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मैं राशन के दुकान पे गया जी, तो उससे मैंने बोला कि भाई बेसन है आपके पास, तो बोला कि भाई कंपनी का लीजिएगा, घर का पिसा हुआ लीजिएगा। हाँ, हमने बोला कि घर का पिसा हुआ भी आप लोग देते हैं, तो बोला कि हाँ दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा हमको। तो दुकान में भी एक छोटी सी मशीन लोग इंस्टॉल करके ये रखे हैं जी, और जी। आधा किलो एक किलो इसी से पीस के निकाल के दे देते हैं। वो चार्जेस जोड़ लेते हैं, चार्जेस जोड़ लेते हैं, तो इस हिसाब से भी आपका इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं आप जी। तो जी। मेरा वही है, इसका लुक हो गया जी, लुक सुंदर है। अब इसका काम का बात करते हैं जी, बैठ के बात किया जाए। तो इसमें देखिए, पहले तो दो स्पीकर दिया हुआ है और एक फैन सेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, फैन दिया हुआ है मोटर को ठंडा करने के लिए, स्पीकर देना दिया हुआ है मशीन से बात करने के लिए। अच्छा, अगर आप इस मशीन को चालू किए, इसमें गेहूं भर दिए, ऑटोमेटिक है फुल्ली, आपको छूना नहीं है, गेहूं भरे और चल दिए, ये मशीन ऑटोमेटिक पीसता रहेगा। अच्छा, जब आटा पीस के तैयार हो जाएगा आपका, तो ये बोलेगा आपका आटा पीस के तैयार हो गया है, मशीन बंद कर लीजिए और आटा ले लीजिए अपना, मतलब आप इसमें डालिए, कहीं भी चल जाइए, मशीन ऑटोमेटिक आपका काम किया, आप भूल गए मशीन बंद करना, या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको बंद भी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये मिनी पल्वराइजर में इतनी फंक्शंस दी गई जी। हाँ, ये आपका बेसिकली टाल्की मॉडल है ये। अच्छा। बात करती है कॉस्मो सीरीज टाल्की मॉडल। अच्छा, भारत मशीनरी प्लेटिनम भारत का ही ये उपज है। अच्छा, ये आपकी अपनी प्रोडक्ट हो गई? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है। इसमें देखिए ISO सर्टिफाइड है ये जी, ये मार्का लगा हुआ है। अरे वाह, ISI मार्का ये दिया हुआ है, यानी कि एकदम गुणवत्ता के लिए। मिनी पल्वराइजर जो 1 HP की मशीन जी है। हाँ, आप ये उस सेक्शन में रखे जी, 1 HP भी था आपका मोटर प्योर तंबा का। अच्छा, और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, सेंसर, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी का सेंसर, का 1 साल का इसमें वारंटी देंगे हम जी जी। 1 साल के अंदर अगर सेंसर खराब होता है, नया सेंसर आपको हम भेज देंगे, कोई 1 रुपया नहीं लेंगे। तो इसमें सर क्या क्या महिलाएं काम कर सकती हैं? सर इसमें आपका पहला तो हो गया, घंटा में 8 किलो आटा पीस देगा, घंटा में 8 किलो। हम घरे छठ पूजा में ले गए थे ना, तो घरे इसमें हम ठेकुआ का आटा घरे अपने से पीसे हैं। ठेकुआ का आटा सर थोड़ा मोटा निकलता है। हाँ, तो उसका प्रोडक्शन ये मशीन दिया 20 किलो घंटा में। अच्छा। एक घंटा में हम वही रिकॉर्ड किए हैं वीडियो उसका छोटा सा। अच्छा, हाँ, तो 1 घंटा में 20 किलो ये ठेकुआ का आटा है, क्योंकि मिनी पल्वराइजर HP जहाँ तक मेरे को मालूम है इतना प्रोडक्शन नहीं देता है, लेकिन ये दे रहा है। क्यों दे रहा है? मोटर ओरिजिनल 1 HP लगाया हुआ है। ये तो बड़ा बढ़िया काम किया सर, उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है जी, जो इस तरह का घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए। अब इसका ढक्कन खोले तो इसका भी एक चीज है, ये जो चीज देख रहे हैं ये सेंसर है सर लगा हुआ, ये वाली। हाँ, जब तक ये जाके दिखाएंगे और मशीन, हाँ, ये जाके यहाँ पे टच नहीं करेगा तब तक मशीन चालू नहीं होगा। अच्छा, जब आप बंद होगा तभी चालू। हाँ, यहाँ पे माल भर दिए, ढक्कन को बंद कर दिए, अब यहाँ से लिए इसको। अच्छा। ऐसे बंद किए, ये टच हुआ, मशीन चालू हो गया। एक तरह से घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा सेफ्टी, और जैसे ही खोले मशीन बंद हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिक बंद हो गया।
मतलब ये दरवाजे बंद करेंगे तो चालू होगी और खोलेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अब इसमें आते हैं क्वालिटी। इसमें गेहूं और बाजरी का दो मोड दिया हुआ है, दिखाएंगे यहाँ पे गेहूं और बाजरा। हाँ, अगर आपको गेहूं का आटा पीसना है तो इसको गेहूं मोड में डाल देना है, ठीक। और आपको दरदरापन चाहिए ठेकुआ वकुआ के लिए, या फिर गाय गोरू का मवेशी का दर्रा बनाना है बकरी वकरी का, तो इसको बाजरा मोड में कर देंगे तो स्पीड काम करेगा। गेहूं जब पीसिएगा तो गेहूं का पिसाई धीरे धीरे स्लो करेगा, 8 किलो घंटा में देगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा चीज़ इसका लॉक। जी, सब मशीन में होता है ऐसे ऐसे नट खोलिए कसी है, इसमें वो नहीं है, इसमें स्प्रिंग लॉक है। इसको यहाँ दबाए, ये खुल गया। बहुत बारीकी से बनाया है आपने। इसका हैमर भी 6 मीटर है सर, बहुत प्यारा है। 6 मीटर प्लस दांत इसमें डबल दिया हुआ है। जी, क्या होता है कि अगर हैमर आपका चलते चलते घिस गया तो पहले लोगों को पूरा इसमें हैमर बदलना पड़ता था, पूरा ही चेंज करना पड़ता था ये चक्री। तो हम लोगों ने क्या इसमें किया, एक अलग से इसमें दांत बनाया। जी, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो ये चलते चलते जब घिसेगा तो ये हैमरवा आपको बदलने का जरूरत नहीं है, ये 50-50 रुपया का मिलेगा, जिसको ला के बदल दीजिए। वाह, 2000 रुपये की जगह जी वो काम आपका 300 में हो गया। बहुत अच्छा। और ये जो इसमें क्या क्या है सर, इसका ड्रम है इसके साथ जिसमें आटा आपका गिरेगा पीस के, या इसमें मसाला भी पीस सकते हैं। जालियां भी दी है इसमें, कितने प्रकार की? 8 जाली है सर, 8 जाली है। हाँ, वाह क्या मस्त है भाई, 8 जाली सभी, वो भी आपका हर शेप में। मैंने बड़ी पल्वराइजर बहुत देखा है 1 XP वाली, लेकिन सच चुका हूँ अभिषेक जी, मैंने उसका वीडियो बनाना छोड़ दिया, बहुत बाहियात होती है, बहुत बाहियात होती है, लेकिन एक उम्मीद जगी है आपकी ये मशीन देख। जी हाँ, तो इसमें वही चीज है कि आपका जाली भी 8 क्वालिटी का है, 1 नंबर, 0 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर करते हुए 7 नंबर तक जाली है। अच्छा, मतलब जो भाई लोग चाह रहे हैं कि मवेशी है मेरे घर में 2 और मक्का है, हम अपने से दर्रा बना लें, उनके लिए भी ये काम आएगा। घंटे में 25 किलो दर्रा बना देगा। अरे, 2 गाय 4 गाय के लिए सफिशियंट होता है। एनिमल फीड भी बना ले। हाँ, मसाला पीस लिए, बेसन सत्तू निकाल लिए, आटा पीस लिए। अब मान लीजिए दिन भर में आदमी 1 HP का मोटर है, 4 घंटा भी मशीन चलाता है, 4 घंटा में 40 किलो आटा पीस लिया। जी ठीक है, जो महिला है जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, उनके लिए रोज एक अगर मशीन 100-150 कमा के दे दे रहा है तो उनका जीवन यापन हो जाएगा। बहुत, बहुत। वो पराश्रित नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। इतने छोटे मशीन से अगर 150 रुपया भी आ जा रहा है तो उन लोगों की पारिवारिक हालात ऐसे होते हैं कि हाँ, उनके वो 1500 के बराबर है। जी जी बिल्कुल। अब मान लीजिए वो बेचारी कहीं और जाने से अच्छा, किसी और के यहाँ काम करने से अच्छा तो, 1000-2000 के लिए अपने घर में एक मिनिमम दाम का मशीन रख के अपना रोजगार एक स्वाधीनता से कर सकती है। 4-5 हज़ार रुपये अगर आ जा रहा है, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए बहुत मशक्कत कर दी। सर अब समय आ रहा है ना सर कि हर किसी को रोजगार दिया जाए। जी बिल्कुल, कोई बिल्कुल भी रोजगार से वंचित ना हो। बिल्कुल, सब बिल्कुल अपने आप का मालिक हो सर, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए भाई लोकल को वोकल करना होगा। जी बिल्कुल। सपोर्ट अभिषेक मिश्रा, जिनकी अपनी ब्रांड है, अपना प्रोडक्शन है, अपना प्रोडक्शन है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आके इनसे सलटिए। ये एक प्लस ये हो गया। प्लस अब सुंदरता का बात करें तो माताएं बहनें बोलती हैं भैया मशीन तो दे दिए, अब ढकने के लिए हमको अपने से बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो हम बोले कि नहीं, इसको ढकने के लिए भी हम दे दिए, खोलिए, पैक कर दीजिए और मशीन को ढक दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इसमें सर वारंटी वगैरह कितने दिन की, कुछ क्या का? 1 ईयर का इसमें सेंसर का और मोटर का वारंटी। सेंसर और मोटर का वारंटी आप देंगे? सर, वही 2 चीज खराब होता है उसके कारण ये मशीन बेकार हो जाती है। और ये और तो वो वारंटी डाल दिया। लकड़ी की बनी हुई है, काफी अच्छा है, सनमाइका है, बहुत चमकदार है। चेंबर सारा लकड़ी का ही है इधर सर? ये पूरा लकड़ी है, अंदर से पूरा SS है। SS है। अच्छा, तो अब वीडियो देख के तो बड़ा पसंद आ रहा होगा सर। इसमें दूसरा चीज, ये मशीन अभी नीचे रखा हुआ है जी, इसमें चक्का भी दे रहे हैं। चक्का 4 व्हील है, कहीं इधर उधर ले जाना। हाँ, तो आप इसको ले जाओ, व्हील लगा दीजिए अपना, कहीं भी रखिए, टालकी मशीन है, बात करेगा प्लस चलेगा। वाह क्या बात है। तो अब देर ना कीजिए सर, अब लोगों को लग रहा होगा कि भाई जल्दी से आप इसका दाम इसका 14,500 रुपया, 14,500। हाँ, 14,500 में है भाई, एक साल का वारंटी के साथ हम सेंसर और मोटर दोनों को दे देंगे, क्योंकि जिस फीचर के साथ ये दिखा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल सर मार्केट में 1 HP की मशीन है, लेकिन उसमें 2 या 3 जाली है। ये मशीन में ताकत नहीं है, तभी मैं 8 जाली लेके आ रहा हूँ। इस मशीन की जो आपने दिखाई है ये दूसरों से बहुत अलग है। जी बिल्कुल, बहुत अलग है इस मिनी पल्वराइजर से।
आप बहुत अच्छे से अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकते हैं, दुकान पे कर ले, बड़ी फैमिली है, हर तरह का इससे उपयोग किया जा सकता है। तो सर दूसरा चीज़ें भी है ना, बेटा है विदेश में, माई बाप है घर है, एज हो गया, थोड़ी ना झोला लेके जाएंगे गेहूं पिसवाने, खाना है पौष्टिक खाना, पौष्टिक खाना है, उम्र के हिसाब से वो भी चाहिए। सही बात, तो उनके लिए भी बेस्ट है ये, बेस्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभिषेक जी से बातें करते करते दोपहर से शाम हो गई, मशीनें खत्म हो नहीं रही हैं और हमें भी भाई पटना लौटना है। जी बिल्कुल, तो शाम हो गई है और मोबाइल की जो टॉर्च बैटरी है उसमें हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ऐसी ऐसी मशीनों से आपको जोड़े। और जो अभिषेक जी ने कहा कि रोजगार देना है, घर घर पहुंचाना है, कुछ भी कीजिए दो पैसा लाइए। सर देखिए, मैं गरीब का बेटा था, जब पैदा हुआ एक मेरा मिट्टी का घर था, ठीक है जी, दो भाई थे हम लोग, तो मिडिल स्कूल में पढ़ के आगे आया हूँ मैं, फटा हुआ पैंट रहता था, पेवन सटा हुआ और झोला में बस्ता रहता था, वो बस्ता में चार गो किताब और कहानी में बस्ता इसे लटकाते थे और चल देते थे स्कूल। तो वो जिंदगी जिए हैं हम जी। जब अकाल पड़ा था हमारे यहाँ उस समय घाटा भी खाए हैं, याद है जी। तो कोई भी सर गरीब नहीं है, सोच से इंसान गरीब है, सोच से मेहनत कीजिए, गरीबी को पीछे छोड़ दीजिए, गरीबी को पीछे छोड़ दीजिए, और मेहनत नहीं कीजिएगा गरीबी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो चलिए अभिषेक जी, बहुत हम लोग साथ साथ मोटिवेशन भी दे देते हैं सर, जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिएगा बिहार स्टोरी के साथ, हमेशा कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी मशीनों की जानकारी हम लेकर के आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नई मशीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।